अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो हमारा टेस्ट सिस्टम चल रहा था उसमें आपने यूनिट नंबर 15 इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे। आपके स्मार्ट सिलेबस में जो न्यूमेरिकल शामिल है वो 15.1, 15.2 और 15.3 और 15.4, यानी फर्स्ट फोर न्यूमेरिकल आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। आइए पहला न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करते हैं, 15.1। 15.1 न्यूमेरिकल में हमसे पूछा जाता है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसको इनपुट वोल्टेज यानी प्राइमरी कॉइल को जो वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया है वो 240 वोल्ट, यानी 240 वोल्ट जो है प्राइमरी कॉइल को हमने प्रोवाइड किया है, जो कि कम होगा, यानी ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसमें 240 वोल्ट हम प्रोवाइड करते हैं और वो उसको कितने में चेंज कर देता है, 12 वोल्ट में, यानी यहां पर सेकेंडरी वोल्टेज जो हमें हासिल होता है वो 12 वोल्ट। यहां पर तीसरी चीज जो हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो है वो 2000 टर्न्स जो है वो इस कॉइल में मौजूद है प्राइमरी कॉइल। हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। यहां पर हमें तीन चीजें गिवन है, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। एंड नाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में हम टर्न्स की तादाद मालूम करेंगे। आप जानते हैं कि इस चैप्टर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, एनएस ओवर एनपी, यानी जो नंबर ऑफ टर्न्स में रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज रेशियो, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज वो होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं यानी इनपुट वोल्टेज, और सेकेंडरी वोल्टेज वो होते हैं जो कि हमें हासिल होते हैं जिसे आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। हमें यहां पर मालूम करना है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाई। यहां पर चार वेरिएबल्स हैं जिनमें से तीन हमारे पास अवेलेबल है, यानी हमें Vs मालूम है, Vp ये भी मालूम है, Np भी मालूम है, हमें Ns फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, Np इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। Vs कितना है, 12 वोल्ट। Vs कितना था, 12 वोल्ट, और Vp कितना है, 240 वोल्ट। 240 वोल्ट जो है वो प्राइमरी वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में जो टर्न्स की तादाद है वो कितनी है, 2000 टर्न्स, मीन चक्रों की तादाद, कॉइल में जितने चक्कर होंगे वो कितने हैं, 2000। अब हमने मालूम करना है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे 12 को 240 से डिवाइड करेंगे और 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100। यानी यहां पर अगर हम चाहते हैं कि 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में चेंज करें तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कितने दरकार है, 100। आइए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 15.2। यहां पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात हो रही है जिसमें उन्होंने कहा नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो जो है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न्स की तादाद है, जो चक्रों की तादाद है कॉइल में, वो क्या रेशो है, 1:100। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी कॉइल में जो टर्न्स की तादाद है वो 1 है और सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न्स की तादाद है वो 100 है। अब हमने मालूम करना है कि ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और आप जानते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए शर्त क्या है, Ns will be greater than 2Np, यानी प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न्स की तादाद है वो प्राइमरी कॉइल से ज्यादा हो तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तीसरी चीज जो हमें पता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि Np 1 है और Ns 100 है, और वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में जो हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो 20 वोल्ट है। स्टेप अप का मतलब है कि हम इसे कम वोल्टेज देते हैं लेकिन ये आउटपुट में हमें ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करेगा।
तो हम क्या कर रहे हैं, वो सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज है वो हमें मालूम करना है। हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एल पी। यहां भी चार वेरिएबल्स हैं, हमें वी एस मालूम करना है, एन एस हमारे पास मौजूद है, एन पी हमारे पास मौजूद है और वी पी भी हमारे पास मौजूद है। अब इसमें वी पी इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एन एस क्या है, 100, तो हमने 100 पुट किया। एन पी कितना है, 1, तो हमने 1 पुट किया। उसके बाद ये जो वी पी है वो कितना है, 20 वोल्ट, तो हमने 20 वोल्ट पुट किया। 100 को 1 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा, और 100 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2000 वोल्ट। यानी यहां पर ये ऐसा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसको हम 20 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एज इनपुट, लेकिन ये हमें आउटपुट के तौर पर 2000 वोल्ट प्रोवाइड करेगा, ये हमें आउटपुट के तौर पर 2000 वोल्ट मुहैया करेगा। इसलिए ये कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके बाद जो थर्ड न्यूमेरिकल है 15.3, यहां पर एक बात हो रही है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कहते हैं जिस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो है बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो है वो है 100:1। इसका मतलब ये है कि चूंकि ये स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की निशानी क्या है कि उसमें प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद ज्यादा होती है बनिस्बत सेकेंडरी कॉइल के, इसलिए एन पी होगा 100 और एन एस होगा 1। प्राइमरी कॉइल को जो वोल्टेज प्रोवाइड हमने किया है इनपुट वोल्टेज वो कितना है, 170 वोल्ट। और यहां पर एक और चीज हमें अवेलेबल है, वो क्या है गिवन डाटा में कि जो प्राइमरी कॉइल में करंट बह रहा है वो है 1 मिली एम्पियर। मिली किसके इक्वल होता है, 10^-3, 10^-3 के इक्वल होता है मिली। तो हमने मिली की वैल्यू पुट की, एम्पियर एज इट इज आ गया। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, उसने हमसे पूछा है आपने सेकेंडरी कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो फाइंड करना है। तो आपने एक चीज पढ़ी थी आइडियल ट्रांसफार्मर में जिसमें आपने पढ़ा था सेकेंडरी पावर विल बी इक्वल टू प्राइमरी पावर, पावर का फार्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू आई वी। तो हमने यहां भी आई वी लिखा, यहां भी आई वी लिखा, क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल थी इसलिए एस और एस लिखा, यहां प्राइमरी कॉइल थी इसलिए आई के साथ भी पी लिखा और वी के साथ भी पी लिखा। हमें चाहिए आई एस, तो आई एस में होम करना है तो वी एस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड हो गया। तो हमने यहां पर हमें तीन चीजें चाहिए, आई पी वी पी वी एस। हमारे पास वी पी मौजूद है, वी एस नहीं है, आई पी मौजूद है। हमारे पास दो वेरिएबल तो मौजूद है लेकिन तीसरा मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वी एस मालूम करेंगे फिर आई एस की कीमत मालूम कर सकते। तो हम क्या करते हैं, आई एस मालूम करने के लिए हम इसमें इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं ताकि जब हमारे पास वी एस की वैल्यू आ जाए तो हम इसमें पुट करें और आंसर निकालें। यही फार्मूला जो हमने 15.2 में लगाया था वही फार्मूला मैंने यहां पर यूज किया, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। हमें वी एस चाहिए, वी पी इधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाए। एन एस कितना है, एन एस 1 है, तो हमने एन एस की जगह पर 1 पुट किया। एन पी कितना है, 100, तो हमने एन पी की जगह पर 100 पुट किया। उसके बाद है वी पी, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। हम क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज पुट किया जो गिवन था 170 वोल्ट, तो 170 वोल्ट हमने पुट कर दिया। इसके बाद जब हम 170 वोल्ट को 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.7 वोल्ट। वी एस हमें चाहिए था, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हम आई एस की वैल्यू फाइंड कर सकें। मैंने ये वैल्यू पुट की इक्वेशन 1 में, आई पी की वैल्यू 1 × 10^-3 पुट की, उसके बाद वी पी की वैल्यू 170 वोल्ट पुट की,
और Vs जो कि अभी फाइंड किया है 1.7 वोल्ट वो प्रूफ। जब आप क्या करते हैं 170 को 1.7 से डिवाइड करते हैं तो 100 आंसर है। आप इसे ब्लैंक भी कर सकते हैं, 100 आंसर आया 1 × 10⁻³ एज इट इज। 100 को आप लिख सकते हो 10⁻² एम्पियर, उसी तरह 10⁻² 100 की जगह पे लिख दिया, 10⁻³ उसी तरह 1 भी उसी। ये प्लस 2 है ये माइनस 2 है तो आंसर क्या आएगा 10⁻⁠। जब हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या होती है ऐड हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं 1 × 10⁻¹ है जो किसके इक्वल आएगा 0.1। ये हमारे 3 न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व हो गए जो कि आपके आने वाले टेस्ट में ये शामिल थे। तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करने हैं। शुक्रिया।